कुछ पैसे दे दो ना भाई। भागो यहाँ से। दो दिन से कुछ खाया नहीं है भाई। ए, एक बार बोलो ना, भाग यहाँ से। साहब कुछ पैसे दे दो ना साहब। भाग जाएगा तेरे को। भाग यहाँ से। ये लीजिए स्लिप। आपने पैसे भर दिए? हाँ भर दिया। साहब रामदुराई साहब को फोन करके बता दीजिए ना। ऐसी बात है क्या? ठीक है। हाँ सर, रामदुराई सर। हाँ बोलिए। हाँ आपने जिसको भेजा था वो 60,000 रुपए लेके आया था। हाँ। मैंने डिपॉजिट कर दिया है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा, आप एक बार चेक कर लीजिए। ओके थैंक यू। हाँ मैंने उनको बता दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हाँ ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी रुकावट आएंगी, उसे पार करने की कोशिश कीजिए। उस एमएलए का टॉर्चर मैं सह नहीं पा रहा हूँ, उसे मैं कैसे संभालूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। दिल की बीमारी के लिए दवा है लेकिन उसका इलाज नहीं है, उसके लिए कुछ और है। हम देख लेते हैं सर, आप अपना काम कर लीजिए। आप उसको कैसे संभालेंगे? देख लेंगे सर, अगर दिल में हिम्मत ना हो तो हम लोगों को जिंदा दफना देंगे। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वो समय आने पर पता चल जाएगा। मैं कई जगह पर इंटरव्यू देता हूँ और सेलेक्ट भी हो जाता हूँ, लेकिन जिस सैलरी में मैं काम करना चाहता हूँ वो लोग वो नहीं दे पाते। इसलिए अपने दिमाग का पूरी तरह से इस्तेमाल करके बहुत सारे पैसे कमाने वाला हूँ। हमारा प्लान सक्सेस हो इसके लिए एक अच्छे आदमी की ज़रूरत है, जो पक्का बिजनेस मैन भी ना हो, बिजनेस करके जल्दी अमीर बनने का जो शौक रखता हो। अगर ऐसा कोई आदमी हो तो मुझे बताओ, जो मन में ठान ले उसे पूरा करे, ऐसे आदमी की ज़रूरत है। सतीश मेरे जर्नलिस्ट सोशल सर्विस एक्सपीरियंस से मैं एक अच्छे आदमी से मिली हूँ, तुम्हारे प्लान के लिए एकदम सही रहेंगे वो। तुम जैसा सोच रहे हो उनको भी कुछ कर दिखाने का जुनून है, वो भी एक सोशल वर्कर ही है। हाँ उनका बिजनेस कार्ड भी है मेरे पास, जाकर उनसे मिल लो, तुम्हारा प्लान वर्कआउट हो जाएगा। थैंक्स, कॉल करके मैं उनसे मिल लेता हूँ। थैंक्स क्यों बोल रहे हो? चलो चलो। रामादुराई प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। निकिता ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया। सर माय नेम इज सतीश, MBA, फादर्स नेम इज मणिवनन, मदर नेम इज। अपने 3 खास दोस्तों का यहां पर नाम लिखिए।
हेलो, बहुत क्लोज। हेलो, मैं रामादुराई बात कर रहा हूँ। सतीश ने आपसे कुछ पैसे लिए थे क्या? नहीं सर, वो तो अच्छा आदमी है। आपने उनसे कुछ पैसे लिए थे क्या? नहीं सर, मैंने कभी पैसे नहीं लिए। उसने आपसे पैसे लेकर चीट तो नहीं किया? नहीं सर, वो इस तरह से पैसे वैसे नहीं मांगता है। ओ। उसे पैसों की क्या जरूरत है? उसने आज तक किसी से उधार नहीं लिया है। हेलो हेलो, काट क्यों दिया? आप सतीश के फैमिली को जानते हैं? हाँ सर, अच्छे से जानता हूँ। उसके माँ बाप कैसे हैं? उसके पिता क्या काम करते हैं? उसका बाप रिटायर आर्मी ऑफिसर है सर। उसकी माँ हाउसवाइफ है सर। विश्वास कर सकते हैं? हाँ सर, विश्वास कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, सतीश का कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है क्या? उस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? सर, वो एक पढ़ा लिखा लड़का है। मेरे हिसाब से कोई उसका इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सर। आप उसे कोई भी काम दीजिए, वो अपना सबसे बेस्ट करके देता है। 100% विश्वास कर सकते हैं उस पर। एक बात बताइए, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आपका इंटरव्यू ट्रीटमेंट बहुत ही डिफरेंट है। सतीश, ये आईटी कंपनी नहीं है जो रिज्यूम देकर नौकरी दे दे। सर, आपके जरिए मैं अपने प्लान का इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसमें आप बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो, बहुत सारा पैसा गिनने वाले हो। इस दुनिया में लोग ज्यादातर गोल्ड, डायमंड, रियल एस्टेट और फिल्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन हम इंसान का सेंटिमेंट और फीलिंग का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। उसमें आपको बहुत सारी पॉपुलैरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा, लेकिन ये सब करने के लिए मेरी एक फीस है। अगर ओके है तो बोलो। डील के लिए रेडी हो क्या? सतीश, मुझे पैसे से ज्यादा पॉपुलैरिटी चाहिए। एक आदमी को खत्म करने के लिए पॉपुलैरिटी का होना बहुत जरूरी है। मेरा एक काम है जो बहुत दिनों से मेरे दिल में चुभ रहा है, समय आने पर तुम्हें वो बताऊंगा। हेलो सर, मैंने जो कैंडिडेट भेजा है वो ओके है ना? प्रॉमिस किया है, अब नौकरी कैसे करता है वो देखकर फैसला करेंगे। ऐसा है, ओके सर। अच्छा, आप निकिता को कैसे जानते हो? इसके बारे में तुम्हें जरूर जानना चाहिए सतीश। एक दिन ये निकिता। मेरा नाम निकिता है। आई एम एन इंटर्नशिप जर्नलिस्ट स्टूडेंट। आपके साथ मैं भी सोशल सर्विस कर सकती हूँ क्या सर? तुम बहुत होशियार हो बेटी, माँ बाप का आशीर्वाद तुम पर हमेशा रहेगा। सर, मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे माँ बाप नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ सर। मैं जब छोटी थी तब उनकी मौत हो गई थी सर। एक्सीडेंट में मौत हुई या फिर कोई और समस्या थी? नहीं, सर्कस के टाइम पे जो फायर एक्सीडेंट हुआ था उसी में उनकी मौत हुई। जब वो सर्कस फायर एक्सीडेंट हुआ था तब आपकी उम्र क्या होगी? 4 साल की थी मैं सर। आप मेरे उम्र के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो फायर एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है आपको पता है क्या? नहीं सर, मुझे नहीं पता। बिना लाइसेंस के, फायर सेफ्टी के बिना, जरूरत पड़ने पर फायर इंजन जल्दी नहीं पहुंच पाएगा उस जगह सर्कस चलाने का परमिशन देने वाला वो प्रभाकर है बेटी। प्रभाकर?
देयर वॉज अ मेजर सर्कल फायर एक्सीडेंट आई हैव सेफ गॉट इट यू प्लीज इन्फॉर्म कंसर्न अथॉरिटीज टू डिस्ट्रॉय डॉक्यूमेंट्स 40 फाइल्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक केयर थैंक यू वही है इतने लोगों की मौत का जिम्मेदार वही है सर उस फायर एक्सीडेंट के पीछे किसी इंसान का हाथ होगा मैंने ये सोचा भी नहीं था उस फायर एक्सीडेंट में मेरे बीबी और बच्चे मर गए न जाने कितने बच्चे जल के मर गए छोटे छोटे फूल खिलने से पहले उस आग में स्वाहा हो गए उनके सारे सपने जल के राख हो गए इसके पीछे कौन है पैसों के लिए लोगों की जान लेने वाले को और गलत काम करने वाले को कैसे कैसे तिक्रम लगाकर हम सब लोगों ने उसे यहां का एमएलए बना दिया उसकी वजह हम हैं उसकी वजह पैसों की लालच ने हम जैसे कई लोगों को अनाथ कर दिया बेटी सही समय का मैं इंतजार कर रहा हूं उसको खत्म करना है अब सोशल सर्विस के अलावा एक और काम है बेटी इसके पीछे इतनी बड़ी कहानी थी ठीक है टाइम हो गया हाँ चलो चलते हैं चलिए सर चलो नहीं चलो नहीं।